नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार गोयल, मूत्र रोग विशेषज्ञ, सेक्स रोग विशेषज्ञ और किडनी ट्रांसप्लांट और रोबोटिक सर्जन हूँ। इस क्षेत्र में मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है और आज मैं आपको पीई या प्रीमेच्योर इजेकुलेशन या शीघ्र पतन, जिसको कॉमनली हम कहते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। शीघ्र पतन से तात्पर्य है, या लोग जिसको समझते हैं, कि वीर्य का सेक्स में बड़ी जल्दी निकल जाना। यदि हम साइंटिफिकली कहें तो जिनका सेक्स करने में अंदर डालने से पहले ही, योनि में अंदर डालने से पहले या डालने के कुछ ही सेकंड में, 10, 15, 20, 30 सेकंड में या कुछ स्ट्रोक्स लगाने में ही जिनका वीर्य निकल जाता है और लिंग का तनाव ख़त्म हो जाता है, उसको हम शीघ्र पतन या प्रीमेच्योर इजेकुलेशन कहते हैं। 90% लोग जो हमारे पास आते हैं, वो वास्तविक रूप से शीघ्र पतन ना होकर वो उम्मीद से अधिक इच्छा रखने वाले होते हैं और उनकी इच्छा का जो सोर्स बनता है वो ब्लू फिल्म्स या दोस्तों से जो उनके जो डींग हाँकने में वो जो अपना समय बताते हैं, तो वो उससे उनकी एक इच्छा बनती है कि यह कार्य शायद 15-15, 20-20 मिनट या 10 एटलीस्ट 10 मिनट तो चलेगा या आधा घंटा नहीं तो, तो उनकी जो उम्मीद से अधिक इच्छा है वो ज़्यादा बीमारी है, ना कि शीघ्र पतन। तो जब नॉर्मल वाला 2-3 मिनट वाला होगा तो वो हमेशा उन्हें शीघ्र पतन लगेगा। जो साइंटिफिक रीज़न है शीघ्र पतन का, जिनका हम कहें कि जिसको मैंने बताया था कि एक्चुअल रूप में जो बीमारी है कि जिनका अंदर डालने से पहले ही या डालने के अंदर डालते ही विद इन सेकेंड्स कुछ स्ट्रोक्स में ही जिनका निकल जाता है, तो उसका कारण जो होता है वो ब्रेन में होता है हार्मोन्स लेवल पर। तो ब्रेन में जो अलग अलग सेल्स होते हैं उनके बीच में जब इलेक्ट्रिक करंट जब प्रवाहित होता है तो एक सेल से दूसरे सेल्स के बीच में जो कंडक्शन होता है वो कुछ केमिकल्स और कुछ हार्मोन्स ब्रेन में रिलीज़ होते हैं और वो अगली सेल्स पर जाते हैं और जो एक्स्ट्रा हार्मोन्स होते हैं वो पहली सेल्स अपने आप वापस खींच लेती है। तो ये एक्टिविटी जब बहुत जल्दी हो जाती है ब्रेन में कि वो हार्मोन्स दोबारा पहली सेल्स वापस ले लेती है, तो उस केसेस में देखा गया है यह एक कारण होता है शीघ्र पतन का। और इसको कुछ दवाइयों से हम इसको डिले करा जा सकता है और इसको हम दवाई देकर शीघ्र पतन की समस्या का समाधान किया जा सकता है। लेकिन एक कॉमन कारण, जैसे मैंने एक बताया कि अपने आप में उम्मीद से ज़्यादा इच्छा करना, जो कि हम बता रहे हैं कि ब्लू फिल्म और दोस्तों से बात करके जो इच्छा जागृत होती है और हम उम्मीद करते हैं कि 10-10 मिनट होगा, वैसा नहीं होता। लेकिन एक दूसरा कारण और इस समस्या का होता है कि हम सेक्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं रखते हैं या यौन शिक्षा की कमी होती है। प्रीमेच्योर इजेकुलेशन को हम दूसरा एक और डेफिनेशन देते हैं कि हम अपने पार्टनर को, हमारी जो फीमेल पार्टनर है, हम उसको सेटिस्फाई ना कर पाएँ। तो हमें लगता है कि हम तो उत्खलित हो गए, हमारा वीर्य निकल गया, लेकिन हमारा पार्टनर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, उसको ऑर्गाज़म नहीं आया या उसका चरम सीमा उसको नहीं प्राप्त हुई, तो वो अनसेटिस्फाइड है। तो उसके लिए मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा कि सेक्सुअल एक्टिविटी क्या होती है। सेक्सुअल एक्टिविटी केवल वो नहीं है कि लिंग को अंदर डाला वही सेक्स नहीं है। सेक्स के 3 फेजेज होते हैं। एक मानसिक रूप से कि हमने, हो सकता है कि हमने घंटों पहले, आज हम ऑफिस से निकले और आज हमने मन में विचार बनाना शुरू कर दिया कि आज हम रात में सेक्स करेंगे अपने पार्टनर के साथ, तो हमारा मेंटल सेक्स तो हमारा वहीं से शुरू हो गया। अब मन में हमारे उत्तेजित विचार आने शुरू हो गए, हम सेक्स के बारे में सोचना शुरू कर गए। जब हम आते हैं पार्टनर के साथ, शुरू होते हैं, फोर प्ले में एंगेज होते हैं, जिसको हम दूसरा फोर प्ले पार्ट कहते हैं, सेकंड पार्ट ऑफ सेक्स। फोर प्ले में हम एक दूसरे के अंगों से खेलते हैं और उससे आनंद लेते हैं। और थर्ड पार्ट आता है कि जो एक्चुअल सेक्स, जिसको हम काउंट कर रहे होते हैं, जिसका हम टाइम काउंट कर रहे होते हैं कि 1 मिनट है, 2 मिनट है या 10 मिनट है, कि जब हम अपने लिंग को योनि के अंदर डालते हैं, तो दैट इज़ अ थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट सबसे छोटा होता है कि वो पुरुष का 1-2 मिनट होके वो आप बाहर आ जाते हैं। अब हम कहते हैं कि हमारे को 1-2 मिनट मिला, लेकिन यदि हम एक्चुअल अपने सेक्स का पीरियड काउंट करेंगे तो शायद वो घंटों होगा कि हमने कब से सोचना शुरू किया था, कब से हम फोर प्ले कर रहे हैं और कब हमारा एक्चुअल ऑर्गेज़म और हमारी चरम सीमा आई। लेकिन यदि हम अपने फीमेल पार्टनर की बात करें
तो हो सकता है उसने तो तब सोचना शुरू किया जब आपने अंदर डाला, तो उसकी चरम सीमा 2 मिनट में कैसे आ जाएगी? आपकी चरम सीमा 3 घंटे में आई है, आपने 3 घंटे सेक्स किया है और अपने पार्टनर से उम्मीद करते हैं कि 2 मिनट में आए। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि आपको अपने पार्टनर को सेक्स में पहले इन्वॉल्व करना पड़ेगा। फोर प्ले पार्ट जो है, या फोर प्ले में आप साथ में दोनों उत्तेजित चीज़ों के बारे में बातें करें, फोर प्ले करें और सेक्स में अपने पार्टनर को भी इन्वॉल्व करें। और अंदर लिंग को योनि में अंदर डालने का काम तब होना चाहिए जब मैं कहूँगा कि जब आपका पार्टनर इतना उत्तेजित हो जाए कि वो स्वयं डिमांड करे कि हाँ अब नाउ यू कम इनसाइड मी, तो दैट इज़ द टाइम। और जब आप उस समय अंदर डालेंगे तब आप दोनों लोग साथ में ऑर्गेज़म या चरम को प्राप्त करेंगे एंड दैट विल बी द मोस्ट सेटिस्फाइंग सेक्स फॉर बोथ द पार्टनर। दोनों पार्टनर्स के लिए वो सबसे अच्छा सेक्स होगा कि जब दोनों लोग आप साथ में चरम सीमा को प्राप्त करते हैं। उससे आप अपने पार्टनर को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं और अपने को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मिसमैच होता है, जो काम सूत्र में भी बताया गया है, ये जो मिसमैच होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि हम तो अपने अपने सोचते आए, हम ब्लू फिल्म देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अब पार्टनर तो अभी किचन में खाना बना रहा है। तो अपने पार्टनर को आपको अंदर डालने से पहले सेक्स में इन्वॉल्व करना है, तो वो भी मेंटल रूप से, उसका भी मेंटल सेक्स शुरू हो, उसका भी फोर प्ले पार्ट शुरू हो। ये ना हो कि हमने अंदर डाल दिया और अब उसका मेंटल सेक्स शुरू हुआ। जब आप अपना ऑर्गेज़म करके अब आपका वीर्य निकल गया, योर पार्टनर हैज़ स्टार्टेड थिंकिंग नाउ कि अब हम सेक्स करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको हमेशा फिर ये इसमें दिक्कत रहेगी। और जिन लोगों का वाकई में प्री मेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन है, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार तो हुआ कि जिनको शुरुआत से ही, जब से उन्होंने सेक्स शुरू किया है, जब से होश संभाला है, तो उनका वीर्य जल्दी झड़ जाता है। और दूसरे वो होते हैं कि जिनका पहले तो समय ठीक रहता था सेक्स में, लेकिन कुछ सालों बाद, मैरिज के 4-5 साल बाद या 10 साल बाद, उनको अब लगने लगा है कि अब उनका जल्दी होने लगा है। तो प्राइमरी वालों का ट्रीटमेंट जो होता है, जिनको शुरू से ही प्रॉब्लम है, तो ऐसे में कुछ हम दवाइयाँ देते हैं जिसको हम SSRIs मेडिकल टर्म्स में कहते हैं। वो दवाइयाँ ब्रेन पे काम करती हैं और ब्रेन में, जैसे मैंने अभी बताया कि वो कुछ जो ब्रेन के जो सिक्रीशंस, हार्मोन या केमिकल्स होते हैं, उनको वो बहुत देर तक रोके रहने में और टाइमिंग बढ़ाने में हेल्प करती हैं। ये दवाइयाँ कुछ समय तक, 2-3 महीने तक रेगुलर लेनी पड़ती हैं। और कुछ ऑन डिमांड मेडिसिंस भी होती हैं कि हाँ, हर समय जिसको ज़रूरत नहीं होती है, जिसकी सेक्सुअल फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, कई बार कुछ लोग होते हैं जो महीने में एक बार सेक्स करते हैं, या जो लोग अनमैरिड हैं कभी कभार अपना, कभी कभी फ्रेंड से मिले तब सेक्स करते हैं, तो उनको ऑन डिमांड मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सेक्स से 2-3 घंटा पहले कुछ मेडिसिन ले लेते हैं, तो वो उनको उस समय वहाँ पे हेल्प मिलती है। या दूसरे और एडजस्टमेंट किए जा सकते हैं कि कॉन्डोम पहनने से भी थोड़ा सा टाइम में इंक्रीज़ हो जाता है। सेकंड थिंग, कुछ कॉन्डोम्स आते हैं जो कि कुछ एक्स्ट्रा टाइम या लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग लास्ट, इन सब नामों से जो मिलते हैं, उसमें कुछ मेडिकेशन लगी होती है कॉन्डोम में, और उससे थोड़ा सा टाइम बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हाँ, उसमें कई बार वो दवाइयों से सेंसेशन थोड़े कम हो जाते हैं, तो उसमें एक साइड इफ़ेक्ट किसी किसी को लग सकता है कि इरेक्शन थोड़ा सा डाउन हो गया, बट जिन लोगों को टाइमिंग के लिए हेल्प चाहिए तो उसमें वो चीज़ हेल्प करती है। शीघ्र पतन में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि शीघ्र पतन तनाव में कमी के साथ भी थोड़ा सा रहता है। लोग डॉक्टर के पास जाते हैं शीघ्र पतन के लिए, लेकिन जब हम ज़्यादा डिटेल में पूछते हैं या नहीं भी पूछते हैं, तो साथ में जो हम मेडिसिन देते हैं, तो थोड़ा सा लिंग के तनाव को बेटर करने की जब मेडिसिन भी साथ में देते हैं, तो उसमें रिजल्ट्स हमें अच्छे मिलते हैं। तो शीघ्र पतन के साथ देखा गया है कि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति हमारे पास आ रहा है शीघ्र पतन से, तो उसको वो जब वो बीमार होता है तो उसका इरेक्शन भी थोड़ा डाउन हो जाता है, भले ही वो मानसिक रूप से हो या वाकई में शारीरिक कोई कमी हो। तो ऐसे में दोनों ही समस्याओं को शुरू में हमें ट्रीट करना पड़ता है, कि तनाव को भी बढ़ाना पड़ता है और समय को भी बढ़ाना पड़ता है। और एक दूसरी चीज़ जो कई बार बिना शादीशुदा लोग, जो कुंवारे लोग आते हैं, या जो लोग सेक्स में कभी उन्होंने सेक्स भी नहीं किया होता, वो हमारे पास आते हैं शीघ्र पतन की समस्या को लेकर, और वो टाइमिंग कैलकुलेट कर रहे होते हैं अपने मास्टरबेशन में, हस्त मैथुन में। तो मैं ये कहूँगा कि हस्त मैथुन में समय का कोई कैलकुलेटर नहीं है,
क्योंकि जब आप हस्त मैथुन कर रहे हैं तो वो आपके डिपेंड करता है कि आप मेंटली कितना इन्वॉल्व हैं, आप पहले मेंटल सेक्स कितना कर चुके हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं नाइटफॉल का, नाइटफॉल में तो आप मैन्युअली जीरो कोई भी टाइम ही नहीं लगा होता, सारा मेंटल सेक्स ही हो रहा होता है। आपने सपने में सोचा और आपका वीर्य का उत्खनन हो गया, तो उसमें तो टाइम जीरो ही है। ऐसी हस्त मैथुन में भी मैं कहूँगा कि आप मेंटली कितना एक्टिव रहे हैं, और जब आप स्ट्रोक लगाना शुरू कर रहे हैं किस स्पीड से लगा रहे हैं, और आप कितना पहले फोर प्ले में इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो मास्टरबेशन और नाइटफॉल में समय का कैलकुलेशन शीघ्र पतन को नहीं कहता है। शीघ्र पतन जब भी हम बात करते हैं तो ये एक्चुअल वेजाइनल सेक्स या योनि सम्मुख सेक्स से हम उसकी बात कर रहे होते हैं और उसके समय की बात कर रहे होते हैं। इस विषय पर मैं समझता हूँ कि आपके बहुत सारे समस्याओं का या सवालों का आपके जवाब आपको दे दिया होगा, लेकिन फिर भी आपके कोई सवाल हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा।